Assalamu alaikum student, I am Salman Ehsan, welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. Student, इस lecture के अंदर हम लोग first year mathematics की new book के chapter number 3 की exercise 3.2 के question number 12 को start करेंगे और complete भी करेंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर टोटल ए बी सी एंड डी टोटल फोर पार्ट्स हैं. इंशाल्लाह इसी लेक्चर में ये फोर के फोर पार्ट्स आपको करवाए जाएंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया क्या गया है, बेसिकली आप देखेंगे फोर क्वेश्चन दिए गए हैं डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, उन स्टेटमेंट का सोल्यूशन देना है. पेपर पॉइंट व्यू से बताऊं तो बेटा ये जो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट दिए गए बहुत कम चांसेस है कि 5 मार्क्स के लिए आ जाए, लेकिन आ भी सकते हैं भाई, कुछ पता नहीं होता पेपर के एग्जामिनर के मूड पर. लेकिन हकीकत बताऊं कि इस तरह की चीज़ें आपको ईकेट पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल थोड़ी चीज़ है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट पता चलता है हाँ भाई कितना अच्छा है. तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको MCQ में फॉर्म में बन के आ सकते हैं, स्पेशली किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट के अंदर. तो भाई बात बताने की ये है कि पेपर पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ईकेट पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपने तैयारी इसकी अच्छे तरीके से कर लेनी है. और वैसे ही कॉमनली आपके MCQ में भी ये चीज़ आ सकती है. तो चले जाए क्वेश्चन नंबर 12 के बारी बारी तमाम पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए ले चुके हैं, पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं. तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए. दिस भाई वेक्टर ए दिया गया, इसका सिंपल मैग्नीट्यूड मालूम करना है और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे जो हम करते आ रहे हैं. तो पार्ट नंबर ए तो बहुत ही आसान है, तो चले जाएं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो भाई पार्ट नंबर ए में हमें ए वेक्टर दिया गया है, वो क्या दिया गया है, ए वेक्टर जो दिया गया 2i + 3j - 4k. ठीक है जी बेटा, ये एक वेक्टर दिया गया है और कहा गया है कि इस वेक्टर का क्या मालूम करें, मैग्नीट्यूड. चलिए जी आए मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं. तो भाई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिंपल क्या फॉर्म करते हैं, आई के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है, जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, एंड के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर. ठीक है जी बेटा सिंपल. तो चलिए जी आए करते हैं. तो भाई हमने कर दिया, उनका सम करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है. 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9 एंड 4 का स्क्वायर किया 16. अब इनको कर दें सम. तो भाई ये आप करें 4 और 16 कितने हो गए, 20, 20 और 9, 29. तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो आपको रिक्वायर्ड था वो आपने मालूम कर लिया, वो आ गया √29. ठीक है जी बेटा सिंपल. अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ. तो भाई पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, चले जी पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर अब बी पे आ चुके हैं. इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू मालूम करो इफ द वेक्टर दिस एक ये वेक्टर है एंड दूसरा ये वेक्टर है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, दो वेक्टर दिए गए हैं और कह रहा है इनका जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे. तो जरा देखिए इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्या जो इसने वेक्टर दिए हैं पार्ट नंबर बी में. तो सबसे पहले इसने हमें यहाँ पे दिया है -3i + 5j, ठीक है, और उसके अलावा -6k, सही जी, ये एक दिया है. उसके अलावा दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i - 3j, और उसके बाद अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है इसके साथ, प्लस टी के, सही जी बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर बी में हमें सिंपल यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए थे, तो हम इनको लेट कर रहे हैं ताकि हमारे सॉल्यूशन में हमें आसानी हो. तो पहले वाले को मैं ए कह देता हूँ और दूसरे वाले को मैं बी कह देता हूँ, सही है जी. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भाई फाइंड, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. बेसिकली हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें है टी की वैल्यू कब, जब ए और बी वेक्टर हमें दिए, ए एक वेक्टर ये दिया गया, दूसरा वेक्टर ये दिया गया, इसको मैंने लेट कर लिया है ए एंड बी ताकि आपको समझाने में मुझे आगे आसानी हो. क्या, जरा देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इफ द वेक्टर दिस एंड दिस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. कब मालूम करना है, जब हमें गिवन मतलब कि कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ पे कंडीशन की हेडिंग डाल देता हूँ भाई. कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन हमें दी गई है कि जब के मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर
इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर के। सही जी बेटा, ये कंडीशन को हम यूज करते हुए देखिएगा कैसे t की वैल्यू निकालते हैं, जो निकालना इतना ही आसान है। तो भाई ये कंडीशन हमें दी गई है, t की वैल्यू मालूम करनी है और ये दो वेक्टर दिए गए हैं। तो भाई गिवन कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इन वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड मालूम करना है, फिर इनको इक्वल कर लेना है। तो भाई सबसे पहले वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, ठीक है जी। तो भाई a वेक्टर सबसे पहले हमें क्या दिया है, -3i + 5j - 6k। सही जी, फिर इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो जरा देखें मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर एंड फिर -6 का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर जरा देखिएगा आगे क्या करना है, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25 और 6 का स्क्वायर किया 36, माइनस हो जाएगा खत्म, क्योंकि आपको पता है ऊपर पावर इवन सी। तो 9 + 25 + 36 ये हो जाएगा 70, ठीक है जी बेटा, यानी कि 70। तो भाई इसको कर दिया कि कितना आया इनका सम किया, तो ये 70 आ गया। अब 70 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है जी? नहीं होता, ठीक है जी बेटा, कोई नहीं होता। तो जरा देख लें होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आपके सामने निकल के आ गया है, वो क्या निकल के आ गया है, √17। अब इसी तरीके से हम बी का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो बी सबसे पहले वैक्टर हमें क्या दिया गया, यानी कि बी तो हमने खुद लेट किया है, तो बी वैक्टर जो है वो क्या है, 3j + tk, ठीक है जी बेटा। तो हमें यहाँ पे करना है बी का मैग्नीट्यूड। तो चलें जी आए मालूम करते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन की। तो भाई 2 का स्क्वायर, फिर उसके अलावा j का स्क्वायर, j के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर और k के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, तो वो है t, तो हमने वो t ही लिख दिया। चलें जी आगे सोल्यूशन करते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9 और ये t का स्क्वायर। फिर आगे जरा देखिएगा आगे क्या होगा, 9 + 4 कितने हो गए, 13 और +t² हो जाएगा। सही जी बेटा, फिर अब जरा देखें 13 + t² है और यहाँ पे आपके पास क्या है, b का मैग्नीट्यूड। अब आ जाए 9, अब जो रिक्वायर्ड चीज है अब वो मालूम करते हैं। बेसिकली आपको t मालूम करना है, गिवन कंडीशन आपको क्या दी गई है कि भाई जो कंडीशन आपको दी गई, कंडीशन जो आपको दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के। तो a का मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला, √70 √17 और इसका क्या निकाला, √13 + t², ठीक है जी बेटा। तो इसका आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे किसी और नए पेज पर, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा इस पेज पर, ठीक है ना, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। इसको अभी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो अब जरा देखें क्या होगा। तो भाई इसको हम आगे लेके चलते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि इसका मुझे आगे सोल्यूशन करने के लिए ये स्क्वायर्स खत्म होने चाहिए। तो इन स्क्वायर को खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करता हूँ, सबसे पहले ये स्क्वायरिंग की जो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आपके पास 70 रह गया और यहाँ पे आपके पास 13 + t² रह गया। अब हम क्या करेंगे, 70 - 13 किया और t स्क्वायर हो गया, ठीक है जी बेटा। अब आगे जरा देखिएगा क्या होगा, 70 - 13 तो ये क्या आ गया, t² = 57, ठीक है जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे, अब आपको ये वाली बात पता है, आपको बेसिकली t चाहिए, t स्क्वायर चाहिए, t चाहिए। तो भाई इस t स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना बेटा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी लिया और स्क्वायर रूट इस साइड पे लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, t आ गया और यहाँ पे √57 ही आएगा। आपको ये बात पता होगी कि भाई स्क्वायर रूट हमें पता नहीं होता ये प्लस में या माइनस में, तो इसीलिए इसी के साथ दोनों हम प्लस माइनस लगा देते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर बी के अंदर हमें टी मालूम करना था, जो कि गिवन कंडीशन दी गई थी वो थी ये, इसको यूज करते हुए हमने मालूम कर लिया है, वो आया है +/√157। तो यहाँ पे आके दोनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि सी एंड डी, उसको कंटिन्यू करता हूँ नए पेज पर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर सी को ले आए हैं, इसको पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर सी ये रहा, पढ़े चले जी आए। तो भाई फाइंड दी वेक्टर, एक वेक्टर मालूम करना है हूज मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 5 times होगा दी लेंथ ऑफ अ ए। सही जी बेटा, इस ए वेक्टर के 5 times होगा एंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है जी बेटा। ए वेक्टर आपको दिया है, बेसिकली इसमें कहा गया है कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो बेसिकली ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर मालूम करो जिसका मैग्नीट्यूड वो, यानी कि जो मैग्नीट्यूड हो वो 5 times हो, ठीक है जी।
और उसके अलावा जो वेक्टर हो वो किसकी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन में लेकिन इन अपोजिट है। तो अपोजिट का मतलब होता है सिंपल माइनस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो एक नेगेटिव वेक्टर आ जाता है। तो भाई इसी क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह सोल्व होगा, जो हम कॉन्सेप्ट पहले यूज करते आए, कोई नई चीज नहीं है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर सी है, जरा देखें क्या होगा। फाइंड द वेक्टर, आपको एक वेक्टर मालूम करना है, ठीक है जी, वेक्टर मालूम करना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है उसका क्या होना चाहिए, जो वेक्टर रिक्वायर्ड है उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, क्योंकि इसने खुद कहा है। फिर कहा गया है कि द लेंथ ऑफ ए, अब जो वेक्टर आपको गिवन दिया गया है, ठीक है ना, जिसकी, क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ, जो वेक्टर रिक्वायर्ड है जिसकी डायरेक्शन में वो कौन सा है, ए वेक्टर है, वो आपको दिया गया है, ये ए वेक्टर है ये, तो वो 4i माइनस 5j प्लस 6k, ठीक है ना बेटा, सिंपल। तो यहां पे जरा देखिएगा, ए वेक्टर ये है, क्या है, ए वेक्टर ये है, इसका सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। यूनिट वेक्टर मालूम करने के बाद जो गिवन रिक्वायर्ड वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आपके साथ आ जाए। तो सबसे पहले इसका हम यूनिट, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो भाई सबसे पहले वेक्टर दिया गया है, डिवाइड में इसके मैग्नीट्यूड लेके आना है। तो चलिए लेके आते हैं। तो भाई जरा देखिएगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के साथ क्या लिखा है, 4 उसका स्क्वायर, जे के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस 5 उसका स्क्वायर, एंड के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 उसका स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे आगे क्या करेंगे, अब जरा देखिएगा 2 का, 4 का 16, 5 का किया 25 और 6 का स्क्वायर किया 36, सही है जी। अब इनको सम करते हैं, जरा देखें क्या बनेगा हमारे पास, 16 प्लस 25 प्लस 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 77, तो 77 बन जाएगा। तो जरा देखें, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 77 नहीं बनता, तो कोई जरूरत नहीं है आगे कुछ करने की, यानी कि मैग्नीट्यूड आगे कुछ नहीं करना, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आ जाए इसके यूनिट वेक्टर की तरफ। तो भाई यूनिट वेक्टर मालूम करने जा रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो चले जी आए, तो वेक्टर हमें क्या था, 4i माइनस 5j प्लस 6k, ठीक है जी बेटा, ये है और इसके डिवाइड में मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला, 77, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 4 अपॉन अंडर रूट 77 आई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 77, ठीक है जी, j और उसके अलावा 6 अपॉन अंडर रूट 77k, ठीक है जी बेटा। तो ये आपने एक यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया, लेकिन आपको बेसिकली रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 4 रिक्वायर्ड आंसर बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है कि एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर आपको मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और इसकी ए की डायरेक्शन में हो। तो इसीलिए डायरेक्शन सेम रहे, इसीलिए हमने इसका यूनिट वेक्टर मालूम किया है और रिक्वायर्ड जो है उसको 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो फॉर्म बन जाए। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड वेक्टर हासिल करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 मैग्नीट्यूड से, क्योंकि इसने खुद कहा, ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है कि इसे माइनस भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों माइनस इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसने खुद कहा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसीलिए माइनस मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया है। अगर ये इन द सिंपल डायरेक्शन लिखता, अपोजिट नहीं लिखता, तो सिंपल माइनस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस को। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा कि भाई सबसे पहले माइनस का ये 5 हो जाएगा, ताकि एक ही स्टेप में हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाए, वरना पहले 5 मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, अच्छा खासा लंबा और गड़बड़ी हो सकती है। तो भाई ए माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर आपने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर आपने निकाला हुआ है 4 अंडर रूट 77 आई माइनस, ठीक है जी, 5 अपॉन अंडर रूट 77 जे और प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 77 के, ठीक है जी बेटा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 अपॉन अंडर रूट 77 आई, फिर माइनस माइनस प्लस 5 5 25 अपॉन अंडर रूट 77 जे और उसके अलावा प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, और 5 6 30 और डोमिनेटर में इसके अंडर रूट 77 है, सही है जी बेटा, सिंपल। तो ये जो वेक्टर है, सही है जी,
ये जो वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर था कि उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए और इन दिस डायरेक्शन होना चाहिए, इसी वजह से उसका यूनिट वेक्टर मालूम किया और उसके यूनिट वेक्टर को फिर रिक्वायर्ड आंसर यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए उसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो जो रिक्वायर्ड वैक्टर था वो आपने निकाल लिया। और स्पेशली इस माइनस को याद कीजिएगा क्योंकि माइनस अपोजिट इन डायरेक्शन में था इसलिए माइनस मल्टीप्लाई किया। तो जो आपका रिक्वायर्ड वैक्टर मालूम करना था वो आपके सामने हाजिर है। अब आप चाहें तो अपना क्वेश्चन बुक के पीछे जाके आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे मुझे इजाजत नेक्स्ट पार्ट के लिए, भाई एंड नहीं हो रहा, अभी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। चले जी नेक्स्ट पार्ट को इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, बेसिकली नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो पार्ट डी है, ठीक है ना। ए बी एंड सी हम लोगों ने कर लिया है, अब बारी है डी की। तो चले जी आ जाए डी पे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर डी, ठीक है जी बेटा। पार्ट नंबर डी की तरफ हम जा रहे हैं। पार्ट नंबर डी में हमें क्या कहा जा रहा है, पार्ट नंबर 12 का पार्ट नंबर डी ये रहा। तो एक्सप्रेस करें ए, ठीक है जी। ए क्या दिया, माइनस ए वेक्टर बेसिकली दिया माइनस 2i प्लस 4j माइनस 6k एज द प्रोडक्ट, ठीक है जी, एट इट्स प्रोडक्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट डायरेक्शन। अच्छा जी भाई क्या करना है कि ये जो वेक्टर है इसका हम सिंपल क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है जी। और मैग्नीट्यूड के साथ क्या करना है, एंड इट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो सिंपल इस वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर मालूम करें। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए वेक्टर तो हमें दिया है और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे और यूनिट वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिंपल कहा गया कि एक्सप्रेस दिस ए वेक्टर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालेंगे और मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, सिंपल का जो मैग्नीट्यूड होगा वही उससे मल्टीप्लाई करना है, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे गिवन क्या दिया गया है, गिवन में हमें दिया हुआ है ए वेक्टर, सही है। तो ए वेक्टर हमें यहां पे दिया है -2i प्लस 4j और -6k, ठीक है। ये एक वेक्टर दिया गया है और क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट डायरेक्शन। तो भाई रिक्वायर्ड हमें बेसिकली क्या है कि ऐसा एक वेक्टर आपको मालूम करना है, जो वेक्टर रिक्वायर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ कैपिटल ए से प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर हमें मालूम करना है जो क्या हो, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस वेक्टर का जो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्शन के लिए इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे ताकि वो वैल्यू जो हो रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाए, सही जी बेटा। तो सिंपल इस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ये है कि ऐसा वेक्टर मालूम करो विद रिस्पेक्ट टू दिस कि भाई उसका मैग्नीट्यूड उससे मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो यानी कि मल्टीप्लाई करो उसका मैग्नीट्यूड इन दी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम बनाने के लिए उसको वन कर देंगे ताकि डायरेक्शन सेम रहे और वो यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है जी बेटा। सिंपल, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मालूम करेंगे यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो -2i प्लस 4j -6k दिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो भाई -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको पता है, सिंपल आई जे के साथ जो लिखा है उनका स्क्वायर करके सम कर दें और स्क्वायर रूट लगा दें। 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 36, सही है जी बेटा। अब आगे क्या करेंगे, 14 प्लस 16 प्लस 36, तो ये कितना आ जाएगा 56, सही है जी बेटा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, 56। तो स्क्वायर रूट ऑफ 56 करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2√14 बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख दें, ज्यादा अच्छी बात है। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जी बिल्कुल निकाल लिया है। क्या ये आपका आंसर है, नहीं भाई ये अभी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर बनाने की खुशी है, ठीक है जी। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इस पेज के ऊपर, यानी कि 50-50 काम हो रहा है आस्ता आस्ता। अब जरा देखिए आगे क्या करेंगे, भाई हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इसीलिए मालूम किया था ताकि यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इट्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है जी बेटा। तो वेक्टर आपको क्या दिया था, -2i प्लस 4j -6k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 2√40, ठीक है जी, √2√14 था। तो भाई अब जरा देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2√14 है हम इस टर्म के नीचे, इस टर्म के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो भाई ये सिंपल आ जाएगा 2√14i, सही जी। फिर आएगा 4 अपॉन
टू अंडर रूट 14 जे, फिर उसके अलावा 6 अपॉन 2 अंडर रूट 14 के। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखें ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इनको कैंसिल आउट करके इसकी सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। सही है जी, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 ऊपर और नीचे अंडर रूट 14 आ जाएगा। फिर इसके अलावा ये जरा देखें, ये और ये कैंसिल आउट किया तो 3 अपॉन अंडर रूट 14 हो जाएगा। सही है बेटा, सिंपल। अब जरा देखिए आगे क्या करना है। तो भाई ये जो यूनिट वेक्टर था वो हम लोगों ने मालूम कर लिया, ये आपने सिंपल निकाल लिया है, लेकिन फॉर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना बेटा, फॉर रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर के अंदर हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, आप दोबारा पढ़ लें। एक्सप्रेस ए वेक्टर एज द प्रोडक्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट डायरेक्शन। तो भाई डायरेक्शन के लिए आपने जब भी यूनिट वेक्टर मालूम किया और क्या मालूम प्रोडक्ट करना था उसका मैग्नीट्यूड, तो इसलिए मैग्नीट्यूड आपने निकाला हुआ है। तो उसका जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी, जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर है, उसको हमने किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, ए से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसको निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें ए वैक्टर के यूनिट वैक्टर से, ताकि उसकी डायरेक्शन और उसका वैक्टर सेम हो जाए। ठीक है जी, मतलब कि उसके खुद क्वेश्चन में कहा है कि उसकी डायरेक्शन सेम हो जाए और उसका जो जो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाए, तो मैग्नीट्यूड हमने ए का निकाला है, वो उससे प्रोडक्ट करना है और अपना आंसर दे देना है। तो भाई मैग्नीट्यूड क्या निकाला, मैग्नीट्यूड हमने निकाला 2 अंडर रूट 14। ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा ए यूनिट वेक्टर आपने क्या निकाला, ये लिखा हुआ -1 अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है जी, आई +2 अपॉन अंडर रूट 14 जे, और उसके अलावा 3 अपॉन अंडर रूट 14 के। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड आंसर था, रिक्वायर्ड वेक्टर जो था, बेसिकली यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो था, फॉर्म जो बनानी थी वो आपके सामने आ गई है। आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको कुछ आंसर इस तरीके से मिल जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन आप चाहें तो उसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे कि भाई ये 2 अंडर रूट 14 है, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले जाएं करते हैं, तो -2 अंडर रूट 14, डोमिनेटर में अंडर रूट 14 ही लिखा हुआ है और इसके साथ आई आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 2 2 4 अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 14 आ जाएगा। तो इसके अलावा 2 3 6 और अंडर रूट 14 अंडर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, फिर आगे क्या करना है जरा देखें, ये अंडर रूट 14, ये अंडर रूट 14, ये अंडर रूट 14 और ये अंडर रूट 14 कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे -2i + 4j - 6k। ठीक है जी बेटा, तो ये चीज आपके पास आ गई है, सिंपल। अब आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी लिख दें, क्योंकि रिक्वायर्ड जो वेक्टर था वो हमने ए कहा था, तो आप आंसर चाहें तो आई जे की फॉर्म में लिखना चाहिए यूं लिख दें, या आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, दोनों आंसर आपके माने जाएंगे। आप चाहें यूं लिख दें, आप चाहें तो यूं लिख दें, कुछ भी लिख दें, यानी कि मेन फॉर्म बना दें, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि मेन कुछ भी लिखने से आंसर नहीं होगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड कहा गया है क्वेश्चन में उसको करने के बाद आप ये फॉर्म भी लिख दें, क्योंकि आपकी बुक में ये फॉर्म लिखी हुई है। अगर आप इसको मजीद सॉल्यूशन करके लिखना चाहें कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।